तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें 15 मार्च को वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद दोपहर बाद वो दिल्ली लौटेंगे। तो आपको बता दें वाराणसी भी 15 मार्च को जाने वाले हैं, जहां पर एक कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं विंध्यवासिनी मंदिर की। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ दर्शन पूजन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं विंध्यवासिनी मंदिर की। ये सीधी तस्वीरें जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं और दर्शन पूजन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें 3 दिनों तक पूर्वांचल दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और सबसे पहले वो वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में सपरिवार उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं। और आज विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। और कल यानी कि 15 मार्च को वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में भी वो भाग लेने वाले हैं और दोपहर बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पवन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। इस मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद आगे क्या कुछ कार्यक्रम है राष्ट्रपति के? जी, आपको बता दें कि राष्ट्रपति का विंध्याचल से बहुत पुराना लगाव है, उसी को लेकर के आज वो दर्शन करने आए हैं। क्योंकि आजादी के बाद से ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जो विंध्याचल मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। हालांकि जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, उससे पहले भी माँ विंध्यवासिनी दरबार में हमेशा वो आते रहते थे। वहाँ हर यहाँ के हर गलियों से उनका पहचान है, और इसी कारण वो दर्शन करने के बाद जो निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर है उसका मुख्यमंत्री के साथ निरीक्षण किया है, और पूरी बारीकी से उन्होंने विंध्याचल धाम में दर्शन भी किए हैं, और जो वहाँ के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की थी। इससे पहले भी इच्छा जाहिर की थी उन्होंने। हालांकि उनके परिवार के साथ आए थे दर्शन पूजन करने के बाद, पुनः वापस लौट गए हैं अष्टभुजा हेलीपैड से, और वहां से वो सीधे वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल पवन, आपसे जानना चाहेंगे राष्ट्रपति के इस दौरे के दौरान क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? आपसे बता दें कि चूंकि उनका कार्यक्रम जो था वो इसके पहले जो कार्यक्रम बना था वो एक आश्रम है यही बगल में देवरावा हंस बाबा, वहां पे जाने का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल किया गया था। उसके बाद सीधे वो माँ विंध्यवासिनी दर्शन के लिए आने वाले थे यहाँ पे। उसके बाद जो आज का कार्यक्रम उनका बना वो माँ विंध्यवासिनी दर्शन के लिए बना था। दर्शन कर सपरिवार दर्शन पूजन करने के बाद वो फिर पुनः वापस लौट गए। आगे क्या कुछ कार्यक्रम है पवन? विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद आगे क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? जी, आगे का कार्यक्रम उनका खास का नहीं है। यहाँ से वो सीधे हेलीपैड के लिए रवाना होंगे, वहां से सीधे वो वाराणसी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। वाराणसी में क्या कुछ दौरे रहेंगे पवन? पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे पवन से। तो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मंदिर से, ये सीधी तस्वीरें।